भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में अपनी नौयत का तीसरा वाकया पेश आया, जिसमें नामालूम मुलजिमान ने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के गेट पर फायरिंग की। दो नाबालिग मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 5 के बाहर फायरिंग की, तहम इससे कोई जख्मी नहीं हुआ। ये मुतनाज़े शहरियत कानून के खिलाफ नई दिल्ली में एहतजाज के दौरान 4 रोज में पेश आने वाला फायरिंग का तीसरा वाकया है। पुलिस ने ऐनी शाहिदीन के बयान रिकॉर्ड करने के बाद वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया है। इससे कबल जख्म फरवरी को नई दिल्ली में जामिया नगर के शाहीन बाग में एक मुसल्ला नौजवान ने फायरिंग की, तहम किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ। गिरफ्तारी पर नौजवान का कहना था कि हमारे देश में और किसी की नहीं चलेगी, सिर्फ हिंदुओं की चलेगी। हमारे देश में क्या हो सकता है? अच्छा, क्यों गोली चलाई? कपिल गुर्जर कहाँ से रहने वाले हो? गाँव दल्लूपुरा। गोली क्यों चलाई? कबल इसी 30 जनवरी को नई दिल्ली में एक हिंदू कौम परस्त ने इंटरनेट पर लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान मुतनाज़े शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज करने वाले जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के तलबा पर फायरिंग करके एक तालिबे इल्म को जख्मी कर दिया था।